वेलकम टू माई चैनल कंप्यूटर ट्रिक्स गाइस। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और स्पेशली उन लोगों के लिए जो हर रोज़ अपने ऑफिस में जाते हैं और अपने जो रूटीन टास्क हैं वो परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग एमएस ऑफिस। अमूमन ऑलमोस्ट आप स्टूडेंट हों या आप वर्कर्स हों या गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं, हर ऑफिस में, हर अदारे में, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में एमएस ऑफिस यूज किया जाता है। सो क्या होता है, आपकी रूटीन जो ऑफिस टास्क हैं उसमें आप जो वर्ड की फाइल होती है, एक्सेल की फाइल होती है, उसे आप कन्वर्ट करते हैं पीडीएफ। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन वेबसाइट्स या कोई सॉफ्टवेयर। जब आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन अपलोड करते हैं टू कन्वर्ट इट इन पीडीएफ फॉर्म, सो ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर और रिस्की काम होता है। तो आज मैं आपको वो मेथड बताना चाह रहा हूँ जो इजीली आप अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं और इजीली विदाउट अपलोडिंग ऑन इंटरनेट और विदाउट यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर आप अपने डाटा को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले एक आपको वर्ड फाइल दिखाऊंगा। जो भी वर्ड फाइल आप खोलें, जस्ट लाइक मैंने एक वर्ड फाइल खोल दी है आप लोगों के सामने, अब इससे विदाउट यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर और अपलोडिंग ऑन इंटरनेट ऑनलाइन वेबसाइट्स, मैं इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करूंगा। फॉलो, यू हैव टू फॉलो माय स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फाइल्स में जाएं, नो क्लिक सेव एज, गाइस ये जो ऑप्शन आ गया सेव एस का और आपके सामने एक विंडो खुल गई है, इधर सेव एस टाइप, इधर आप सिलेक्ट करें पीडीएफ। तो गाइस हमारे पास जितने भी वर्ड के और जो ऑफिस है उसके अंदर एक बिल्ड इन फीचर होता है और ये बहुत ही हिडन फीचर है, ये अमूमन यूजली लोगों को नहीं पता होता और वो अपना जो डाटा है वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे अपलोड करके उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहे होते हैं और जो बहुत ही इनसिक्योर है उनका डाटा सिक्योर नहीं रहता और वो कुछ ना कुछ उनका डाटा लॉस भी हो सकता है। सो हम इजली यहाँ से क्या करेंगे, सेव किया मैंने, यू कैन इजली सी इट, ये देखें मेरी जो फाइल थी वर्ड की वो इजली कन्वर्ट हो गई पीडीएफ में विदाउट यूजिंग एनी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर और विदाउट यूजिंग एनी ऑनलाइन वेबसाइट। सेकंड, तो नेक्स्ट टिप मैं आपको बताने जा रहा हूँ और बहुत ही अच्छी वो ट्रिक है, वो है पीएसआर। आप जो भी स्टेप कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में, फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऐसे स्टेप कर रहे हैं और आपने किसी को सिखाना है, अपने स्टूडेंट्स को सिखाना है, या आप चाहते हैं कि वो जो स्टेप्स हैं वो उसका स्क्रीनशॉट आपके पास खुद ब खुद सेव होता रहे, फॉर दैट पर्पस यू जस्ट हैव टू फॉलो माई स्टेप। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रेस विंडो बटन प्लस आर, नाउ टाइप पी एस आर, नाउ क्लिक ओके, यू कैन सी इट, स्टेप्स रिकॉर्डर, इधर मैं स्टार्ट रिकॉर्ड, लेट्स सी। अब मैं एक थोड़े से स्टेप करने जा रहा हूँ आपके सामने, मैं कंट्रोल पैनल खोलूँगा, उसमें कुछ अमेंडमेंट करूँगा और फिर उसे क्लोज करके फिर चेक करूँगा कि इधर मेरे जो रिकॉर्डर स्टेप रिकॉर्डर ने मेरे जो स्टेप्स हैं रिकॉर्ड किए हैं या नहीं। राइट कंट्रोल पैनल, अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम, स्क्रीन नाउ क्लोज इट, स्टॉप रिकॉर्डर, नाउ यू कैन इजीली सी इट, मेरे जितने स्टेप्स थे जो मैंने परफॉर्म किए वो रिकॉर्ड हो गए। तो गाइस इस फीचर को, ये हिडन फीचर था, ये इसमें तो एक लाइक बनता है, हमारे सिस्टम ने उसे रिकॉर्ड करके आपके सामने दिखा दिए, तो बहुत ही ये एक्सीलेंट फीचर है।